रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ई गुरुजी में, जहां पे हम लोग देखते हैं डेली बहुत सारे अपडेट्स, व्यूअर्स डिमांड वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और वायरल वीडियोस, डू इट योरसेल्फ और ऐसे बहुत सी जानकारियां जो आपके डेली रूटीन में या आपकी जिंदगी में उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबर से जो आ रही है सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में या सोशल मीडिया के संबंध में, जहां पे अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भी फर्जी खबर या कोई फर्जी मैसेज या कोई फर्जी पिक्चर वायरल करता है या फॉरवर्ड करता है या उसको फैलाने का काम करता है तो अब उसकी खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और पोस्ट की समस्या से निपटने के लिए एक नया कानून बना रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब ये सब एक कानून के दायरे में आने वाला है जब भी हम लोग कोई भी वायरल वीडियो या वायरल मैसेज करते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और पोस्ट की समस्या से निपटने के लिए एक नए कानून पर काम कर रही है। देश के कई हिस्सों में ऐसे पोस्टों से हो रही परेशानियों और अशांति की पृष्ठभूमि में ये कदम सामने आया है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या घृणा प्रदान पैदा करने के उद्देश्य से फर्जी खबरें फैलाने वालों और तस्वीरों को छेड़छाड़ कर उसे पोस्ट करने के जिम्मेदार लोगों के अपराध और सजा की प्रकृति पर अधिक स्पष्टता लाई जाए। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार नए कानून बनाते हुए अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के अलावा पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य हिस्सों में सोशल मीडिया पर फैली फर्जी खबरों पर एक डेटा बैंक भी तैयार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्य में पिछले कुछ वर्षों में फर्जी खबरें फैलने की कई रिपोर्टों के बाद नया कानून तैयार किया जा रहा है। शिलोंग झारखंड में गोंडा और असम के कार्बी आंगलोंग जिले में हाल ही में हुई घटनाओं ने चिंताएं बहुत बढ़ा दी हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोशल नेटवर्क साइटों पर फर्जी खबरों और तस्वीरों को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें इससे लोगों के बीच में अशांति भी पैदा हो जाती है और इसको निपटाने के लिए एक सख्त कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जनता के बीच डर या चिंता पैदा करना या अपराध करने की मंशा से ऐसे पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 एक बी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। नए कानून बनाने की प्रक्रिया में सरकार पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता भी ले रही है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने कई पेड ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट की भी पहचान की है जिनका ऐसे पोस्टों के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने इसकी भी पहचान की है कि फर्जी ट्विटर हैंडल और फेसबुक अकाउंट चलाने वालों और फर्जी खबरें तस्वीरें तथा लेख साझा करने वाले लोगों का कैसे विभिन्न माध्यमों से वित्त पोषण किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति का फेसबुक पे फर्जी अकाउंट है या फर्जी खबरें फैला रहा है या फर्जी तस्वीरें को पोस्ट कर रहा है तो उन सबका भी डेटा भारत सरकार बना रही है। तो दोस्तों आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सचेत करने वाला वीडियो है। अगर आपको किसी भी वीडियो पे या कोई भी ऐसी खबर है जिसके बारे में आप बहुत श्योर नहीं है तो उसको ना आगे फैलाएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आपके कोई भी कमेंट्स हो, लाइक हो, आपको लाइक करना है प्लीज़ उसे लाइक भी करें। अगर आपका कोई कमेंट है जिसे आप बताते हैं कि ये सही नहीं लगा या आप कुछ और चाहते हैं हम आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाएं, आप बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।